नंबर एक तो मोदी जी झूठे हैं और नंबर दो पर केजरीवाल। मोदी जी को हटाने का, आरएसएस के हटाने की ताकत एक ही पार्टी में है, वो कांग्रेस है। 2024 में मोदी को सत्ता से उखाड़ सको। समय की कमी हम जानते हैं। राहुल जी का गरीबों के प्रति, असंगठित कामगारों के प्रति, दलितों के प्रति बड़ा दर्द भरा हुआ है, जिसको मैंने महसूस किया। मैं किसी और जिम्मेदारी को लेना चाहता था, लेकिन राहुल जी ने कहा कि असंगठित कामगार इस देश में लगभग 40 करोड़ है, ये सरकारी आंकड़ा बता रहा हूं, चाहे वो भट्टा का मजदूर हो, कंस्ट्रक्शन का हो, रेड़ी पटरी वाला हो, लंबी लिस्ट है। 146 इस तरह के ट्रेड हैं जहां असंगठित कामगार है, उसको इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस मंच से मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और दूसरी, जो पहले बार कांग्रेस के इतिहास में एक नई चीज जुड़ी है, वो है कि कर्मचारियों को जोड़ा गया। पहले बार शायद किसी और भी पार्टी में कर्मचारियों को नहीं जोड़ा गया। तो कामगार और कर्मचारी इस देश में लगभग 40% पढ़ते हैं, उनको संगठित करने की जिम्मेदारी दी गई है। मैं कोशिश करूंगा कि इनको संगठित कर सकूं और 2024 में मोदी को सत्ता से उखाड़ सकूं। मनरेगा किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। एक बात का मैं और अपील करना चाहूंगा, खास तौर से जो दलित समाज है वो बड़ा गुमराह है कि हमारी हुकूमत आएगी, हम हुक्मरान बनेंगे, हम 85% के हैं। धीरे धीरे उस भ्रम से निकल तो रहे हैं, लेकिन जितनी जल्दी ये बहुजनी नारा के बाहर निकल करके कांग्रेस के साथ में खड़े हो, उतना ही इनका भला है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को बचाना चाहते हैं, आरक्षण को बचाना चाहते हैं, तो मैं अक्सर दलित समाज से कहता हूं, शायद कांग्रेस को आपकी इतनी जरूरत इस समय नहीं है जितना आपको है। इस संदर्भ में मैं बोलता हूं कि दलित समाज का एक इमोशनल टच है संविधान से, बाबा साहब से, और आरक्षण के द्वारा चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या सरकारी नौकरियों में, उसी से आगे बढ़ा है। लगभग ये खत्म हो रहा है और मोदी जी को हटाने का, आरएसएस के हटाने की ताकत एक ही पार्टी में है, वो कांग्रेस है। इसलिए बाबा साहब के संविधान को बचाना है तो कांग्रेस का साथ दो, एक बार हटा दो। जो दलित अपने आप को अंबेडकर वादी करते हैं, अगर बाबा साहब से प्रेम है तो हटाओ। आज मैं अपने यहां एआईसीसी पर मीटिंग बुलाई थी 12 बजे से, जब भाई अनिल चौधरी जी का आदेश आया तो उनको मैंने कहा कि यहां आएंगे, लेकिन अभी हम जो चौदह जिले हैं उनका लगभग निर्माण हमने कर लिया है। मीटिंग जो लोग कामगारों के बीच में काम करना चाहते हैं, कर्मचारियों के बीच में काम करना चाहते हैं, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, आप जुड़ें। और मेरा यह प्रयास रहेगा कि आने वाले कॉरपोरेशन के चुनाव में एक चौथाई ताकत बनने का काम ये कामगार और कर्मचारी संगठन करें।
हमने इसका नाम कामगार कर्मचारी कांग्रेस रखा है, KKC 60 में, ताकि लोगों को ये समझ में आए। और बहुत जबरदस्त रिस्पांस है, तो मैं आह्वान करता हूं कि जो कामगारों के बीच में, कर्मचारियों के बीच में काम करना चाहते हैं, मीटिंग समापन के बाद या ICC मिलें, वहां पर हमने मीटिंग बुलाई है, थोड़ा पोस्टपोन किया है। हम भी चाहते हैं कि इस तरह का एक बड़ा प्रदर्शन इसी सत्र के खत्म होने के पहले एक कामगार और कर्मचारी कांग्रेस के बैनर के नीचे होके, और अनिल चौधरी जी उसे भी संबोधित करने के लिए आए। साथियों, ये अरविंद केजरीवाल या भी हमारे अलका जी ने काफी खबर ले लिया है, अब मुझे ज्यादा खबर लेने की जरूरत नहीं है। इस व्यक्ति के प्रति या आम आदमी पार्टी के प्रति जो सबसे बड़ा आकर्षण था, सफाई कर्मचारियों को परमानेंट करने का, टेम्परेरी जो एम्प्लाई थे परमानेंट करने का, टीचर्स का परमानेंट करने का, इंजीनियर्स परमानेंट नहीं किया। ये झूठा व्यक्ति जाकर के पंजाब में धरना दिया कि पंजाब की सरकार परमानेंट नहीं कर रही है। यह नंबर दो झूठा व्यक्ति है। नंबर एक तो मोदी जी झूठे हैं और नंबर दो पर मैं केजरीवाल, ये दो महा झूठे हैं इस देश के अंदर। और मैं साथियों, यह मैं कह सकता हूं कि अगर 2024 में RSS बीजेपी की सरकार को नहीं हटाया गया तो आप भूल जाइए कि भारत का संविधान रह पाएगा, इस देश में फिर दोबारा चुनाव नहीं होने वाला है। इसलिए जिम्मेदारी केवल कांग्रेस की ही नहीं बनती है, पूरे देश की बनती है, सभी की बनती है कि इनको हटाने का काम शुरू कर दिया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए फिर से अनिल चौधरी जी, गोयल जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत सफल महंगाई के खिलाफ में प्रदर्शन किया।